इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। बरौज पीर से पूरी रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन के फैसले के बाद बेलगाम शहर के हर गली चौराहे पर भीड़ का नजारा देखने को मिला। खासकर खड़े बाजार, फोर्ट रोड, कोतवाल गली, कांदा मार्केट, किर्लोस्कर रोड और दिगर भी सड़कों पर लोगों की भीड़ काफी नजर आ रही थी। सड़कों पर बैरिकेड्स भी पहले से लगाए गए हैं, जिससे आवाम को घरों तक पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही थी। अब इस भीड़ पर भी काफी तस्करे होते ही दिखाई दे रहे हैं। अब यह लॉकडाउन कितना जरूरी है, इस पर भी मुख्तलिफ राय आवाम की जानिब से देखी जा रही है। सड़क पर सब्जी फ्रूट बेचने के लिए कुछ खवातीन और हजरात दूसरे गाँव से आते हैं, शहर के दूसरे इलाकों से आते हैं और वैसे भी रमजान ईद भी बिल्कुल सामने है। आपको हर मामले में लोगों की राय बटी हुई नजर आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि ईद के मौके पर ही जानबूझकर लॉकडाउन किया गया, अगर चुनाव को कोरोना के मद्देनजर टाला नहीं जाता या रद्द नहीं किया जाता और आवाम की जिंदगियों की परवाह किए बगैर बेलगाम हो या दिगर रियासतों में चुनावी इजलासों का एहतमाम किया गया, अगर महज ईद तक रुकने से क्या होता, ऐसा भी कुछ कहने वाले लोग हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है, मरीजों के साथ मौतों के आंकड़े भी सैकड़ों की तादाद में बढ़ रहे, लिहाजा आवाम को चाहिए कि सड़कों पर इस तरह की भीड़ नहीं करनी चाहिए। रमजान मुसलमानों की बड़ी ईद है, जिस पर कुछ ने कहा कि जान की हिफाजत है, लिहाजा इस बार बाजारों में सड़कों पर जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे कई दुकानों को भी देखा जा रहा है कि ग्राहकों को दुकान या शोरूम में लेकर शटर बंद करके कपड़े जूतों की फरोख्त की जा रही है। हर कोरोना आलमी वबा के तहत तमाम एहतियात को बरतना जरूरी है, पर उन ताजिरों के बारे में तो कुछ लम्हे हुकूमत सोचे जिन्होंने कुछ रुपया कमाने के लिए कर्ज लेकर कारोबार करना चाहते थे। यकीनन आपने 6 से 10 बजे तक का वक्त दिया है जिसमें लोग खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, पर क्या दूर दराज से आने वाले आवाम को यह वक्त नाकाफी नहीं होगा? और उसमें भी कई सारी पाबंदियां ऐड की गई है। सड़क पर केले सेब की गाड़ी लगवाने वाले गरीब का जब चालान काटने की कोशिश आला अफसरान ने की, तो इस पर उस गरीब ने हमला किया और 3 लोगों पर टूट पड़ा। कहने का मतलब आवाम को इस कदर भी परेशान ना करे कि वह बगावत या बागी बन जाए। भले यह तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है, कर्नाटक में भी मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की जानिब से सख्तियां बरती जा रही, बरतनी भी चाहिए, पर तहकीक हो कि कौन किस लिए बाहर गया है। कई सारे मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल है, इलाज चल रहा है, कईयों के घरों में मरीजों का इलाज जारी भी है। लोग दवाइयों के लिए घर से बाहर जाते हैं और दवाइयों के लिए घरों से बाहर निकलना भी पड़ता है। हर चीज या जरूरत महज इन 4 घंटों के दरमियान ही दस्तयाब नहीं होती, या फिर जरूरत उस वक्त ही पड़ेगी, इसका कह नहीं सकते। लिहाजा हर सवारी की सही से पूछताछ हो, एक बार फिर पहले की तरह लाठियां चलाई जा रही है। यह ना समझा जाए कि हर कोई बेवजह घूम रहा है, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि बेवजह घूमने वालों की तादाद बढ़ रही है, इसलिए मरीज भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबको जान प्यारी है। बढ़ते मरीजों और मौतों के मंजर को हर कोई देख रहा है, देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं होती, पर अगर बहुत ही जरूरी काम हो तो वो घर के बाहर निकलना पड़ता है। अगर महज भीख मांगने वालों का ही सोचा जाए तो इनका जिंदा रहना क्या इस तरह लॉकडाउन में मुमकिन है? भारत एक गरीब मुल्क है, वैसे भी हुकूमतों की नाकामी की कीमत आवाम क्यों चुकाए? तमाम लीडर एसी रूम में बैठकर गरीब आवाम को क्या भूखे मारने के फैसले लिए जाते हैं? बार बार यही सुना जाता है कि 4 घंटे की छूट दी जा रही है। हमने इससे पहले भी कहा था कि दुकान में जाकर खरीदने के लिए पैसा कहाँ है? करोड़ों के गफले करने वाली सरकार आकर गरीबों के अकाउंट में पैसे डालकर भले ही आप 2 महीने का लॉकडाउन करो, कौन पूछता है? पर अक्सर यह देखा जाता है कि लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प यानी आखिरी रास्ते के तौर पर बताया जा रहा है। नेताजी, तुम्हारी तजुरियां भरी हुई होंगी, आओ कभी आकर झांको इन गरीबों की बस्तियों में, यहाँ पानी तक ठीक से मयसर नहीं होता। महज लॉकडाउन का नारा बार बार लगाने से आप अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते, और वैसे भी आपके पास पूरा 1 साल था, बजाय आप चुनावों में मसरूफ होने के ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन, अस्पतालों के बेड पर तवज्जो देते हैं। हमेशा देर से आंखें खुलती है या इस तरह का ड्रामा यह हुकूमत बार बार करती रहती है, समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि अब कोरोना का नया वेरियंट यानी कि कोरोना मरीज नए अवतार में सामने आ रहा है। इनके नया वेरियंट आया है जो पहले से पहले के कोरोना से खतरनाक है और 15 गुना ज्यादा खतरनाक होने की बात कही जा रही है। वैक्सीनेशन की तो महज बातें ही हो रही है। एक बार फिर बेलगाम सरकारी अस्पताल में पहले डोज ना होने की बिना पर इस पर रोक लगा दी गई है। अब दूसरा डोज लेने की बात कही जा रही है। जब पहला ही डोज नहीं लिया है तो अब दूसरा डोज लेने के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, यानी कि बार बार बातें कही जा रही है कि वैक्सीनेशन लेना होगा।
समझ में नहीं आता कि कब क्या फैसला ये हुकूमत लेती है और कब बदल देती है। अब पहला डोज तो नहीं है पर दो अब दूसरा टीका लगा दिया जाए कि बात चल रही है। बात तो नए वेरिएंट की भी चल रही है कि नया वेरिएंट बहुत खतरनाक है। जब WHO ने वैक्सीनेशन को 60% की गारंटी दी थी तो नया कोरोना का वेरिएंट 15 गुना खतरनाक है, तो क्या फिर नई वैक्सीन लगाई जाएगी? लिहाजा 2400 घंटे कोरोना का ही जहन में ख्याल नक्श करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अक्सर लोग जहनी बीमारी में मुब्तला होते दिखाई दे रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक कई डॉक्टर सब जहनी बीमारी में मुलविस हो चुके हैं। दिल्ली के मशहूर डॉक्टर विवेक राय ने यह कहते हुए खुदकुशी की कि दम तोड़ते मरीजों को देखते हुए और दवाइयां इलाज न देखते हुए जहनी दबाव में पहुंच गया हूं, जिससे खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। लिहाजा कारोबार न होने की वजह से, रोजगार न होने की वजह से, घर में भूख से बिलबिलाते बच्चों को देखकर ऐसे कई लोग हैं जो जहनी बीमार का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस को किसी पर लाठी चलाने से पहले सोचना चाहिए। ऐसा ना हो के मिनिस्टर नेता तो लॉकडाउन का नारा देकर और इंतजामिया को हुक्म देकर बैठ जाएंगे और हुकूमत के हुक्म की तामील करना गोया इंतजामिया का फर्ज होता है, जिस पर वो अमल करते हुए लाठियां बरसाते हैं। पर जिस इम्तिहान आजमाइश से गरीब आवाम को गुजरना पड़ता है, इसका एहसास भी जरूरी है। कहीं पेट की भूख आवाम की बगावत की चिंगारी ना साबित हो जाए। जहां कोरोना को लेकर डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई मजदूर, लैब टेक्नीशियन, जिन्हें कोविड वॉरियर्स कहा जाता है, सफेवल में खिदमात को अंजाम देते रहते, वही कुछ लोग इसमें भी धोखा फरेब का कारोबार चलाते रहते। बेलगाम शहर में खासकर इस बात को महसूस किया जाता है कि आर्मी के नाम पर धोखाधड़ी की वारदातें अक्सर होती रहती। कभी फौज में नौकरी के नाम पर, तो कभी फौज की गाड़ियों को बेचने के झूठे इश्तेहार सोशल मीडिया पर शाया कर लोगों को लूटा जाता है। इससे पहले भी फौज के आला अफसरान को इत्तेहाद न्यूज की जानिब से इत्तला दी गई थी। एक बार फिर फौजी अफसर के नाम से अल्फा क्लिनिकल लेबोरेटरी के मुजम्मिल कलेगार को 10,000 का चूना लगाया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक फौजियों का ब्लड टेस्ट करना है और तकरीबन 25 फौजियों का ब्लड टेस्ट करने के लिए कितना रुपया होगा कहकर अकाउंट नंबर लिया गया। मुजम्मिल ने 25 लोगों का 25,000 कहा और 5 रुपये भेज रहा हूँ, आप मोबाइल पर यानी कि गूगल पे पर कन्फर्म कर लीजिए कहकर उस फौजी ने इन्हें फोन कहा। जब 5 रुपये कन्फर्म किए तो मुजम्मिल कलेगार के अकाउंट से ही 10,000 उस फौजी के अकाउंट में गए, इनके फर्जी फौजी के अकाउंट में 10,000 गए और 10,000 का इन्हें चूना लगा दिया गया। मुजम्मिल खताल अहमद कलेगार ने साइबर क्राइम में मामला दर्ज किया है, पर इस वाक्य से यह बात भी साबित होती है कि अब शायद मुश्किल वक्त में कोई किसी पर भरोसा करेगा या नहीं, जबकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के इस दौर में कोई किसी के पास नहीं जाता। लेकिन ऐसे वक्त में डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियन अपनी जान जोखिम में डालकर खदमात अंजाम देते रहते हैं, पर ऐसे मुश्किल वक्त में भी लैब टेक्नीशियन को फौजियों के नाम से धोखा देकर पैसा अटना महज शर्मनाक ही कहा जा सकता है। मुजम्मिल कलेगार अंजुमन और अलीखरा के लिए कोविड वॉरियर के तौर पर काम को अंजाम दे रहे। पुलिस तहकीक जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो इंडियन आर्मी से बॉन्स कॉल आ रहे हैं, फेक कॉल्स आ रहे हैं उनके, फर्स्ट डे मुझे सुबह में मैसेज आया इंडियन आर्मी की तरफ से कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना है, तो इन्वेस्टिगेशन का मैसेज भी आया व्हाट्सएप के ऊपर। जैसे ही व्हाट्सएप ओपन किया, मैं उनके इन्वेस्टिगेशन देख के लिया, देखते ही उनको वापस में मैसेज किया कि पर हेड जो एक बंदे का है 1000 रुपीज़ होता है, तो 25 बंदों के लिए 25,000 रुपया का उनका अमाउंट उनको बता दिया था मैं व्हाट्सएप पे। मैसेज डालने के बाद उनका मैसेज आया वापस कि सर आपका फ़ोन पे या गूगल पे नंबर दे दो। जैसे ही फ़ोन पे और मेरा गूगल पे का नंबर उनको मैसेज किया, तो ठीक है सर आपका एक आईडी कार्ड बनाना है, अंदर एंट्री के लिए आईडी कार्ड चाहिए होता है, तो आपका एक आईडी कार्ड के लिए लैब का आईडी प्रूफ चाहिए, तो वो भी उनको व्हाट्सअप किया मैं। व्हाट्सअप करने के साथ में वापस उनका कॉल आया कि आपका आईडी बन चुका है, शाम रात में 8:30 बजे वापस कॉल आया आर्मी से कि ब्रिगेडियर साहब बात करने वाले हैं आपसे, आपका आईडी कार्ड बन चुका है सर, आपके फ़ोन पे में या गूगल पे में आपका अमाउंट आपकी 25,000 ट्रांसफ़र की जाएगी, आप जो भी है सर से बात कर लो बोल के कॉल ट्रांसफ़र किए। जैसे ही उनसे बात हुई तो ब्रिगेडियर जो भी है उन्होंने बात की मेरे से और बोला कि सर आपका ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन का जो अमाउंट है 25,000, ये फ़ोन पे नंबर है या गूगल पे नंबर है? तो मैंने बोला हाँ गूगल पे नंबर है सर। तो गूगल पे नंबर पे आपको एक मैसेज आएगा, वो आप गूगल पे जाइए और ओपन करके मैसेज देख लीजिए कि 5 रुपीज़ आपको आया है नहीं आया। तो 5 रुपीज़ का मैसेज आया मुझे, ऊपर मैसेज जो दिखा था वो मैसेज देख लिया मैं। तो फिर बोला मैसेज आया है सर, तो वो मैसेज कट हुआ था मैसेज का अमाउंट मेरा 5 रुपीज़। तो मैं अंदर जाके बाद में देखा उसको, तो वो वापस और बोले कि और एक मैसेज आएगा सर, उसके बाद में आपको 25,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो जैसे ही वापस मैं गूगल पे ओपन किया मेरा पासवर्ड डाल के, डालने के साथ में मेरा 10,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट से उनके अकाउंट में चला गया। तो ऐसे मैक्सिमम जो टेक्नीशियंस है, जैसे कि सिटी लैब है, सिटी लैब के एक टेक्नीशियन को सेम इन्वेस्टिगेशन और सेम मैसेज गया है, वैसे ही फोकस लैब बोल के है वसीम का, उनको भी सेम मैसेज गया है, उनके भी नंबर सेम गया है। और जब वसीम ने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपका लोकेशन सेंड कीजिए सर, तो उस लोकेशन का उन्होंने रिप्लाई दिया नहीं। तो सेकेंड डे कल हम लोगों ने वापस, कल शाम में वापस टेक्नीशियन मिल के बात करके वापस कॉल पे उनको दूसरे नंबर से कॉल किया, तो वो बंदा कॉल रिसीव कर रहा है लेकिन सही से बात नहीं कर रहा है हमारे से। इंडियन आर्मी से हूँ मैं, इंडियन आर्मी का ऐसे नाम ख़राब कर रहा है खामखा। और हम लोग मैं जो हूँ अभी अंजुमन अली करा और मेरा अल्फ़ा का जो भी है इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी होम विजिट्स रहते हैं, हर तरफ जा जा के कोविड के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ लोगों के लिए, अंजुमन से हो या अली करा से हो या मेरा खुद का जो बिज़नेस है उससे, अल्फ़ा क्लिनिकल लेबोरेटरी से, जो भी कोविड वॉरियर्स है इनके साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो सही नहीं है, गलत है ये। और जो भी अभी मैं तो इसमें फंस चुका हूँ, दूसरे बंदे जो भी है कोविड वॉरियर्स भी है, जैसे कि अली करा की टीम है या तो अंजुमन की टीम है और मेडिकल वाले है और क्लिनिक्स है छोटे छोटे, उनको भी ऐसे वापस कॉल्स बॉन्स कॉल्स आ रहे हैं इनको भी। जैसे कि कल मैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया था, तो वहाँ पुलिस वालों ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी कलीग्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे दो बोल के ऐसे मुझे उन्होंने कहा था। तो मैं फ़िलहाल जो भी है उनके लिए नहीं बोलता, बाकी सबके लिए भी बोल रहा हूँ कि इंडियन आर्मी के नाम से जो भी फर्जी बंदा जो है ऐसे कर रहा है उसके लिए पुलिस भी मुझे सपोर्ट करे।